सीवान संसदीय सीट पर चुनाव हो रहा है और छठे चरण का यह मतदान है। आपको बताते चलें कि इसी क्रम में सीवान के प्रतापपुर गांव में राजद की प्रत्याशी हिना साहब ने अपने मत का प्रयोग किया। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि हिना साहब किस तरह से वोट देने के लिए अपने बूथ तक पहुंची और अपने मत का प्रयोग किया। और उसके बाद से जब हिना साहब अपना मत का प्रयोग करके जब बूथ से बाहर आई तो मीडिया कर्मियों के सामने किस तरह से बिहार सरकार को कड़ा जवाब दिया, आइए सीधे हिना साहब से पूछते हैं कि उन्होंने बिहार सरकार को लेकर उन्होंने उनका क्या कहना है और किस तरह से बिहार सरकार का उन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध जताया। ATN लाइव के लिए कैलाश कश्यप के साथ नजरे आलम। मुद्दे पर आपको जनता वोट मैडम लग रहा है इलाके जी, हमें विकास के मुद्दे पे जनता वोट कर रही है, थोड़ा पीछे कर लो भाई। और हमारी जो सोच है, जो हमारी सिवान जिला के लिए सेवा है, उसपे सिवान जिला की जनता हमें वोट कर रही है। लेकिन आपके विरोधी भी विकास करना पे ही वोट मांग रहे हैं। नहीं, किस बात की विकास? विकास उनके सरकार में क्या, बिहार सरकार में क्या विकास हुई है तो उन्हें दिखाना चाहिए ना, पब्लिक को दिखना चाहिए ना। पब्लिक तो सीधे कह रही है कि हम लोग बहुत त्रस्त हैं, हम लोग के नए दिन अच्छे दिन नहीं चाहिए, हम लोग के पुराने दिन ही लौटा दें। आपके विरोधी राष्ट्रवाद के नाम पे भी वोट मांग रहे हैं। तो राष्ट्रवाद के नाम पे वोट मांग रहे हैं, राष्ट्रवाद क्या होता है? यहाँ पर लोकतंत्र की सरकार है, लोकतंत्र बहाल होने चाहिए, लोकतंत्र खुशहाल होने चाहिए, तो वो तो दिखता नहीं है। हमारे जनता जनार्दन खुश नहीं है तो किस बात का उनकी अपनी सोच है? मैम, आपके जो विरोधी हैं शाहबुद्दीन साहब के नाम पे आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना है? ये पुरानी बात हो गई है, अब हमारी सिवान जिला की जनता इसमें बहकने वाली नहीं है। उनको जो जो हथकंडे अपनाने थे वो अपना लिए, अब जनता के अदालत में हम लोग आ गए, जनता हमारे लिए अच्छे फैसले करेंगे। कई बार से कम्युनल लेवल पे जाकर नहीं, अभी ऐसी कोई कम्युनल बात नहीं है। सभी लोगों की सोच है, अच्छी सोच के साथ सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, वोटिंग करेंगे और संयम से करेंगे। कोई हम, मैं नहीं चाहती किसी किस्म का कोई हिंसक यहाँ पर हिंसक झड़प हो या कुछ भी हो। हमारे जितने भी हमारे जो बुद्ध एजेंट हैं, मैंने सभी को निर्देश दिया है कि भाई बंधु, आप लोग किसी के हाथ पर जोड़ने हो तो जोड़िएगा, मगर कोई भी आप दंगा फसाद में शामिल नहीं होइएगा। आपको क्या लगता है अगर शामिल होता? ये अभी मेरे लिए सबसे इजी है, शाहबुद्दीन साहब हमारे लिए घर में हमारे हस्बैंड हैं, बाहर वो हमारे पूर्व सांसद हैं, तो उनके सांसद के वक्त में जितने भी विकास के कार्य हुए हैं वो हमारे बिहार सरकार में, जब हमारे मुख्यमंत्री रहा करते थे, तो सभी लोगों का ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। जो भी काम हुए सिवान में वो सिर्फ RJD के सरकार में। आपको क्या लगता है नीतीश जी की छवि कैसे देख रहे हैं आज? नीतीश जी की छवि सबको साफ साफ दिख रही है, वो कुर्सी कुमार है और वो दिख रहा है। और हम लोगों ने उन्हें तो बहुत पहले ही, जब वो हम लोगों के राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन किए थे, तभी उनकी छवि साफ हो गई थी कि वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। मैडम, आप कैसे बोल रही हैं परिस्थितियों के मुख्यमंत्री? शाहबुद्दीन साहब ने भी यही चीज कहा था। अरे तो कहा था तो साबित हो गया ना, उन्होंने तो छोड़ दिया ना राष्ट्रीय जनता दल से, अपने आप उन्होंने गठबंधन को तोड़ा, फिर उसी दल में गए जिस दल में उनके DNA पे उंगली उठी थी, फिर भी उन्हें कोई शर्म नहीं आई कि मैं फिर उसी दल में जा रहा हूँ जिसमें हमारे पूर्वजों के ऊपर उंगली उठी थी और उन्होंने कसम भी खाई थी उस पवित्र मैदान में, गांधी मैदान पटना के, कि मैं भाजपाइयों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। उन्होंने तो अपने बात पे अमल ही नहीं की, हर बात को नकार कर फिर वो भाई थोड़ा नीचे कर लो और वो कुर्सी कुमार।
कुमार बन गए। बीजेपी में वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है, बीजेपी बिल्कुल है, वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है। और वो जैसे जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी जैसे उनको चला रहे वैसे वो चल रहे हैं ना, वो महिलाओं का मान सम्मान रख रहे हैं। अभी सवाल चुनाव प्रचार के दौरान यहाँ पे बहुत तरह की बातें हुई, जात पात की बात हुई, ब्राह्मणवाद की बात हुई, क्या वो आज असर दिखाएगा? जी नहीं, कोई असर नहीं दिखाएगा। हमारे सभी समाज के लोग मेरे साथ हैं, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भुईयार हो, कायस्थ हो, या हम लोग मुस्लिम हो, या नीचे दलित हो, ओबीसी।